दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। जैसा कि मैं जब भी इस कैमरे के स्क्रीन पर आता हूं तब आपके सामने एक नए विषय को लेकर आता हूं। आज भी एक आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूं। हमारे जो देश का या दुनिया का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। उसको चेंज होने के कई कारण है, जैसा कि जो रिवर होती है, नदियां होती है, इनमें से खनिज यानी रेती का अगर ज्यादा उत्खनन किया जाए तो जो नदी का जो पानी है, जो बारिश में उस नदी में पानी आता है वो बह के चले जाता है, रुकता नहीं है। तो अगर वो पानी उस जगह रुकेगा तो वहां का जो जमीन का जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। ऐसी कई सिचुएशनों को हमने ही अपने हाथों से क्लाइमेट को खराब करने का, क्लाइमेट को बिगाड़ने का काम किया हुआ है। ऐसा ही एक मामला आपको मैं बता रहा हूँ, परसोड़ी करके, यह चुलबन नदी के ऊपर घाट है जो कि भंडारा जिले के साकोली तहसील क्षेत्र में यह घाट आता है। इस रेती घाट पर आज भी, जबकि रेती घाट सारे बंद हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस रेती घाट से बड़े पैमाने पर रेत को निकाला जा रहा है और वह जो रेत है सरकारी यंत्रणा के सानिध्य में निकाली जा रही है। यानी कि इसमें जो खनिकर्म के जो अधिकारी है, आला अफसर है जो जिला स्तर पर बैठते हैं, साथ ही साथ माइनिंग ऑफिसर्स हो गए और पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, ये सारे लोग इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं कि यह जो रेत है यह घाट बंद है। जब हमारी कैमरामैन की टीम उस जगह पहुंची तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे ट्रैक्टर और जो वहां मजदूर है ये सारे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं आप। यह गांव में लगभग जो रेत का जो रेत माफिया है, हम उसको भी आपको दिखाते हैं कि रेत माफिया आखिर कौन है और यह रेत किसके इशारों पर निकाली जा रही है। यह पूरे मामले में यहाँ के जो साकोली के जो तहसीलदार हैं और जो यहाँ के खनिकर्म के जो अधिकारी हैं, हमने जब उनसे भी चर्चा की है इस मामले पर तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि यह हमारे को नहीं पता है, आप हमें इसकी एक लिखित शिकायत दे ताकि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। लेकिन क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, जो रिवर्स का जो पानी है, जो वाटर लेवल है, जमीन की जो वाटर लेवल है वो खत्म हो रही है, वो नीचे स्तर पर जा रही है, इस पर जरा भी किसी का ध्यान नहीं है। जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं, यह जो परसोड़ी रेती घाट है, यह दीपक गहाने करके, ये फुटाना करके गांव है नजदीकी, वहां का रहने वाला है। लगभग यह 5-6 सालों पहले एक आम आदमी की तरह था, लेकिन आज इसके पास लगभग कई ट्रैक्टर, जेसीबी और बड़े ट्रक, ऐसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इसने इस रेत माफिया के काले कारनों में से कमा के रखी हुई है। लगभग इसके घर में आप अगर किसी भी समय पहुंच जाए तो लगभग आपको 50 से 100 ट्रिप इसके घर पर रेती की ब्रास मिलेगी। लगभग यह नदी से रेत निकाल कर लेके आता है अपने घर पर और उसे डम करके रखता है और जो गिराइक उसे मिलता है उसे वो बेच देता है। यानी माल बंदर का और बिल्ली चूहे को दावत दे रही है इसी कहावत की तर्ज पर। यानी इसने यह घाट लीगली तौर पे लिया हुआ है, लेकिन जब उस घाट की मुदत खत्म हो गई है, उसकी जब उसकी जो समय अवधि दी गई थी सरकार ने, वो सारी खत्म होने के बाद भी यह घाट अपने बाप का समझकर, यह अपनी खुद की जागीर समझकर वह घाट से आज भी रेत निकाल रहा है। जैसा अभी हमने आपको दिखाया था कि ट्रैक्टर और जो मजदूर है वहां, वो जो घाट पर मौजूद थे, वो लोग कैसे भाग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अभी भी कि वो कैसे किस तरीके से भाग रहे हैं। अच्छा, यह जो घाट है यह दीपक गहाने के ही नाम से घाट है। अब देखना यह है कि तहसील विभाग के तहसीलदार, इन्होंने इसे परमिशन अगर नहीं दी है तो उस जगह जाकर यह मुआयना करे और उस जगह में कितनी इसने ब्रास निकाली है उसके ऊपर उतना फाइन ठोका जाए। अच्छा, एक और बात हमें सामने आई है कि अभी लगभग नेशनल हाईवे पर जो अशोक बिल्डकॉम करके कंपनी है जिसका बीओटी का रोड है, जो उस पर आवाजाही के पैसे लेते हैं, उस रोड पर लाखनी, साकोली और सोंगड़, इन तीन तहसील स्तर के जो गांव है, बड़े जो गांव है, इन जगहों पर ब्रिज के काम चल रहे हैं। यानी गांव वालों ने पहले जब वो सड़क का निर्माण, 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ था, उस दौरान गांव वालों के विरोध के चलते वहां बड़े ब्रिज नहीं बन पाए, लेकिन वो ब्रिज ना बनने की वजह से लगभग लाखनी में 250 परिवार में, लगभग 250 परिवार में 250 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। वैसे ही साकोली में भी मौतें हुई है और उसी तरीके से सौंदड़ में। तो इन मौतों के जिम्मेदार आखिर कौन हो, यह जिम्मेदारी अगर वो कंपनी उठाए तो कंपनी वालों का कहना यह था कि लोगों ने हमें ब्रिज बनाने नहीं दिया, अभी वो ब्रिज के काम चल रहे हैं,
तो लगभग लाखनी और सौंदर में दीपक गहाने जो यह जो रेती का माफिया है यह वहां रेती सप्लाई कर रहा है बगैर रॉयल्टी की। उन जगहों पर रेती सप्लाई की जा रही है यानी मालबंदर का और बिल्ली चूहे को दावत दे रही है। ऐसे कई अनगिनत मामलों में रेत माफिया ने इस दीपक गहाने ने कई करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर खनिकर्म विभाग और तहसील विभाग क्या कार्रवाई करते हैं। एक और इसका घाट है पिपरी घाट, जिस घाट पर हमने अभी पिछले हफ्ते आपको बताया था वे सड़क अर्जुनी तहसील के तहसीलदार अंतर्गत आने वाला घाट था। हमने पिछले हमारे न्यूज में आपको बताया था कि हमने वहाँ के जो तहसीलदार है उनसे भी फोन पर चर्चा की थी, न्यूज रूम से ही चर्चा की थी, और हमने आपको वो भी बताया था कि यह घाट भी अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, वहां से खनिज को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जब उस जगह में हमने जब हमारी टीम ने कंप्लेंट की तो उस जगह में जो रेती डंप करके रखी है उसका खनिकर्म विभाग गोंदिया की ओर से उसका पंचनामा किया गया और लगभग वहां 1000 ब्रास यानी 1000 ट्रिप ट्रैक्टर की वो रेती वहां जमा है, ऐसा उन्होंने अपने पंचनामे में हमें बताया। लेकिन यह जो बंदा है, यह जो दीपक गहाने है, यह बंदा वो जो पंचनामा की हुई रेती है उसमें से भी रेत चुराने का काम कर रहा है। यानी सरकारी माल जो जब्त हो चुका है, सरकारी खजाने पर जो माल जब्त किया गया है वहां से भी यह बंदा अपने ट्रैक्टर लगाकर अपने ट्रक लगाकर वहां से भी रेती की चोरी कर रहा है। और यह सारा मामला तहसीलदार और यहाँ के जो खनिकर्म विभाग के भंडारा जिले के और गोंदिया जिले के दोनों खनिकर्म अधिकारियों को पूरी तरह से पता है। वह हमें यह नहीं बोल सकते कि यह पूरा मामला हमें नहीं मालूम, हर किसी को यह पूरा मामला मालूम है। यहाँ सारे लोगों की मिलीभगत है, जैसा कि खनिकर्म का अधिकारी होता है, उसके बाद मंडल अधिकारी होता है, नायब तहसीलदार होता है, इवन यहाँ का जो कोतवाल होता है, जो इस इलाके का कोतवाल होता है उसे भी यह लोग पैसा देते हैं। यानी तहसीलदार से लेकर सभी को यह पैसा बंटता है, जिसके चलते यह बेरोक टोक बारिश के मौसीजन में भी यह जो घाट है वो बड़ी रोक टोक तरीके से बेरोक टोक तरीके से चल रहे हैं। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें, बने रहिए MNS न्यूज लाइव के साथ। रुको, अबे ये कब क्यों नहीं हो रहा है? अबे और कितने लाइक्स चाहिए? अरे कोई तो बचाओ। अबे तुम लोगों को भूख लगी है क्या? तुझे कैसे पता? अक्सर जब लोगों को भूख लगती है ना वो भूल जाते हैं how to behave. नया स्निकर्स आमंड, as you can see, इसमें है बादाम। थैंक यू। तो नो भूख नो भूलना।